अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी फेमस स्कॉलर जाकिर नाइक ने रिसेंटली पाकिस्तान विजिट किया था और उनका कहना है PIA में 6 लोगों का 1000 kg से ज्यादा उनका सामान था, जिस पर PIA वालों ने कहा कि हम आपको 50% ऑफ दे देते हैं, जिस पर जाकिर नाइक ने बाद में कहा मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूँ, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे, मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। कि यही अगर मैं किसी और कंट्री में जाता, इंडिया, अगर मुझे कोई गैर मुस्लिम भी देख लेता तो मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता और 50% तो दूर की बात, मेरे से 1 रुपया भी ना लेता। और इस पर तमाम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स किए हैं। 6 लोगों का 1000 kg फ्री दे दें, क्यों भाई, किस खुशी में? आप इंडिया के बारे में आप कह रहे हैं, इंडिया बहुत अच्छा जाहिर है, आपने कहना है क्योंकि आपने वहां जाके रहना है। डकी भाई ने भी उनसे मुलाकात की और डकी भाई ने कहा कि शाहरुख खान और ये तमाम लोगों से मैं इंस्पायर हूं, उसके बाद मुझे आप भी बहुत अच्छे लगते हैं। पंजाब में यूट्यूबर मेरे 3 आइडल है, शाहरुख खान, विराट कोहली, डॉक्टर जाकिर नाइक। अरे बाप रे, मुझे शाहरुख खान के साथ मिला दिए, क्या हालत है, मैं सोचा भी नहीं था मेरे ख्वाब में। जाकिर नाइक इस बात से भी बहुत ज्यादा खफा हुए कि मुझे कंपेयर किसके साथ किया जा रहा है। जाकिर नाइक एक बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर हैं और उनको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, बहुत ही लोग उनसे इंस्पायर्ड हैं। और ये बिल्कुल ही गलत बात है कि आप उनके सामने किन लोगों का जिक्र कर रहे हैं, वो क्या हस्ती हैं और आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर जो हैं वो थोड़े दिमाग से खाली होते हैं। और इसी तरफ यशमा गिल भी जो है डॉक्टर जाकिर नाइक से मिली थी, और उनका कहना है कि मैं थोड़ी इस्लाम से भटक चुकी थी, रास्ते से बिल्कुल इधर उधर हो चुकी थी, लेकिन आपके लेक्चर्स ने मुझे बहुत सारा सहारा दिया। आप मेरे आइडियल हैं और उन्होंने इंस्टा की स्टोरी पर भी ये बात लगाई थी कि मेरे हाथ कांप रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि एक ऐसा बंदा जो मेरा आइडियल है मैं उससे मिल पाई हूँ, मुझे इस चीज़ का यकीन नहीं आ रहा। और उनके आंसू भी गिर रहे थे और एक बहुत अच्छा सवाल भी उन्होंने किया था। फिर जाकिर नाइक के जाने के बाद एक और कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई कि उन्होंने यूनिवर्सिटी की कुछ बच्चियों को शील्ड देनी थी लेकिन वो स्टेज छोड़कर चले गए कि ये बच्चियां मेरे लिए नामहरिम है, इसलिए मैं इनको शील्ड नहीं देख सकता। जिस पर कुछ लोगों ने कहा कि उनको कम अज कम उन बच्चियों का दिल रख लेना चाहिए था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया क्योंकि जो उनकी जो हैसियत है और वो इतने बड़े मुस्लिम स्कॉलर हैं और अगर वो खुद ही इस तरह से करेंगे तो कैसे चलेगा, क्योंकि वो इंस्पिरेशन है, उन्होंने जो बात करनी है उन पर पहले उन्होंने खुद अमल करना है तो लोगों ने उनकी बात सुननी है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर उनका ये पर्सनल चॉइस थी तो ये बिल्कुल सही थी, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर हैं, पर्सनली मेरे भी वो बहुत फेवरेट हैं। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं और ओवरऑल बात करूं तो डॉक्टर जाकिर नाइक का जो विजिट था बहुत ही सक्सेसफुल रहा, लोगों ने उनको बहुत ज्यादा पसंद किया, बहुत से लोगों को डॉक्टर जाकिर नाइक से मिलने का मौका मिला, पाकिस्तानी लोग काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि वो बहुत से लोगों के इंस्पिरेशन है, ये सिर्फ सेलिब्रिटीज नहीं बल्कि आम लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं।